पुनीत जी के कुत्ते ने पेश की वफादारी की मिसाल, शव यात्रा में चला लोगों के साथ और तेरी मेहरबानियां फिल्म की दिलाई याद। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। आज महू में जैकी श्रॉफ की फिल्म तेरी मेहरबानियां की कहानी चरितार्थ हो गई जब दिवंगत उद्योगपति पुनीत अग्रवाल का लैब्राडोर कुत्ता अपने मालिक से वफादारी दिखाते हुए न सिर्फ पुनीत जी और पोते नव की शव यात्रा में शामिल हुआ बल्कि पूरे समय शमशान में भी रहा और जब परिवार के लोग वापस आ रहे थे तब उनके साथ साथ ही वापस घर आया। परिवार के करीबी लोगों से पता चला कि यह लैब्राडोर प्रजाति का कुत्ता पोते नव का बहुत ही चहेता था और उसके साथ ही हमेशा खेलता था। उसी प्यार का कर्ज चुकाने के लिए वह शव यात्रा में शामिल हुआ था। एक और बात यहाँ देखने वाली रही जो हम इंसानों को इन पशुओं से सीखनी चाहिए कि आमतौर पर कुत्ते कभी अपना इलाका नहीं छोड़ते हैं और अगर गलती से भी अपना इलाका पार कर लें तो दूसरे कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उसने अपना इलाका भी पार किया और दूसरे कुत्ते उसके पास भी आए, पर उसकी गमगीन हालत को देखकर उस पर हमला करने के बजाय उससे बाकायदा सहानुभूति जताई और वापस चले गए। यह पूरा घटनाक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मोहनराव वाकोड़े ने अपने मोबाइल में कैद किया और मालवा मिरर से साझा किया। आइए हम बात करते हैं श्री वाकोड़े से। एक अजूबा देखा है हर कहीं, सम्मान 100 बरस का बल्कि खबर नहीं। आज मऊ शहर के आन बान शान सर्व समाज की मदद करने वाले पुनीत अग्रवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे शहर के समस्त समाज के नागरिक पलक उनको देखना चाहते थे और अंतिम विदाई देना चाहते थे। उसी बीच पुनीत अग्रवाल जी के जो बंगला है वहां से एक शवान काले कलर का वहां से निकला। जब अंतिम यात्रा शुरू की शुरुआत हुई, अंतिम यात्रा पूरे शहर में घूमी और उस अंतिम यात्रा के अंदर वो शवान आखिरी तक चलता रहा। जब ये अंतिम यात्रा मुक्ति धाम पहुंची और मुक्ति धाम के बाद में श्रद्धांजलि दी गई, जिन भी लोगों ने उस शवान को देखा वो भूल गए होंगे, लेकिन अंतिम यात्रा के बाद में पुनीत अग्रवाल परिवार श्रद्धांजलि देने के बाद में जब वहां से रुखसत हुआ तो एक शवान जो है वापस लौटता हुआ दिखा और वो शवान जो था उनके परिवार का एक जो उसके अंदर जो भावना थी, जो इंसानों के अंदर आज जो भावना थी आज वो शवान के अंदर देखने को मिली। वास्तव में पुनीत अग्रवाल जी एक इंसानों के लिए नहीं जिया करते थे, खुद के लिए नहीं जिया करते थे, समाज के लिए नहीं जिया करते थे। वास्तव में वो समाज के साथ साथ में पशु प्राणी और उनके लिए भी जिया करते थे। आज ये सादगी देखने को मिली जहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। एक फिल्म का गाना आज सभी लोग बोल रहे थे, जब शवान जब चल रहा था तो सभी बोल रहे थे कि तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदर जानियाँ कुर्बान है तुझ पे ये मेरे सारी जिंदगानियाँ। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।